आप देख रहे हैं दिव्य हिंदी न्यूज पर अकोला की टॉप 10 न्यूज। राज्य शिक्षा बोर्ड ने 21 मई को दोपहर 1 बजे 12वीं कक्षा के नतीजे घोषित किए। जिले में लड़कों की तुलना में लड़कियों ने ही बाजी मार ली है। अकोला जिले का कुल परिणाम 93.37% रहा। पिछले साल लड़कियों का परिणाम 94.70% रहा था और इस साल 95.49% रहा है। महात्मा ज्योतिबा फुले जन स्वास्थ्य योजना में जिले के 22 अस्पतालों को शामिल किया गया है। जिलाधिकारी अजीत कुम्भार ने जिला नियंत्रण समिति की बैठक में निर्देश दिए कि इस योजना और संबंधित अस्पतालों की जानकारी ज्यादा से ज्यादा नागरिकों को दी जाए ताकि जरूरतमंदों को इसका लाभ मिल सके। महावितरण ने बिजली बिलों के लिए मुद्रित कागज का उपयोग पूरी तरह से बंद कर केवल ईमेल और एसएमएस का विकल्प चुनने वाले महावितरण के 14,266 उपभोक्ताओं द्वारा 17,11,920 रुपये की वार्षिक बचत की है। महावितरण की गो ग्रीन योजना के अनुसार बिजली उपभोक्ताओं को 10 रुपये की छूट दी जाती है। कृषि विद्यापीठ द्वारा उत्पादित बीजों और प्रौद्योगिकी का प्रभावशाली इस्तेमाल फसल उत्पादकता बढ़ाने में मददगार साबित होगा। यह विश्वास पंजाब राव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर शरद गडाख ने यहां जताया। 21 मई को डॉक्टर के आर ठाकरे सभागार में आयोजित खरीफ पूर्व किसान सम्मेलन को वे संबोधित कर रहे थे। नगर निगम क्षेत्र के पूर्व जोन अंतर्गत आने वाले माता नगर में बेघर आश्रय भवन से सटकर स्थित सरकारी भूखंड पर किए गए अतिक्रमण को 21 मई को मनपा आयुक्त के आदेश पर निकाला गया। सहायक संचालक नगर रचना आशीष वानखड़े और सहायक आयुक्त विजय पारतवार के मार्गदर्शन में मनपा पूर्व जोन कार्यालय, अतिक्रमण विभाग और पुलिस प्रशासन के सहयोग से इस कार्रवाई को किया गया। शहर व जिले का मौसम पिछले कुछ दिनों से धूप छाव के जैसा बना हुआ है। दिन भर गर्मी से लोग परेशान हो रहे हैं, जबकि दोपहर बाद मौसम में बदलाव होने लगता है और आसमान पर बादल उमड़ने लगते हैं। शहर का मंगलवार का अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आगामी खरीफ मौसम में बुआई के लिए जिले में बीटी कपास के एक विशिष्ट जाति के बीज की 3,388 बीज पैकेट की मांग है, किंतु इस बीज के पैकेट के केवल 1,23,700 पैकेट की मिलने वाले हैं। इन बीजों की मांग व आपूर्ति में अंतर होने के कारण इतने बीज के पैकेट कहां से उपलब्ध होंगे, ये प्रश्न कृषि विभाग के सामने उपस्थित हो गया है। सराफा बाजार में मंगलवार को जबरदस्त तेजी रही। सोना और चांदी के दाम रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए। चांदी की कीमत एक ही दिन में 6,500 रुपए बढ़कर 92,873 रुपए प्रति किलो हो गई। 24 कैरेट सोना 831 रुपए की तेजी के साथ 74,214 रुपए और जेवराती सोने 22 कैरेट की कीमत 761 रुपए बढ़कर 67,980 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई। नगर निगम प्रशासन की ओर से तैयार की गई शहर की विकास योजना पर प्राप्त आपत्तियों और सुझावों के निस्तारण के लिए प्रशासन ने सुनवाई 21 मई, 22 मई तथा 27 मई से 31 मई तक रखी गई है। बता दें कि 19 जनवरी को शहर की विकास योजना प्रकाशित करने के बाद मनपा में अब सुनवाई कर आपत्तियों का निपटारा किया जा रहा है। मानसून के दौरान भी ग्राहकों को बिजली की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए महावितरण ने प्री मानसून बिजली प्रणाली की मरम्मत और रखरखाव और बिजली लाइनों में बाधा बनने वाले पेड़ों की शाखाओं को काटने का काम तेज कर दिया है। नमस्कार, आप देख रहे थे दिव्य हिंदी न्यूज की टॉप 10 न्यूज। जिले से जुड़ी सभी न्यूज से अपडेट रहने के लिए आज दिव्य हिंदी न्यूज के इस चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें। साथ ही दिव्य हिंदी न्यूज के ऐप को प्ले स्टोर या स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे साथ बने रहें। दिव्य हिंदी न्यूज आपके परिवार को रखे जागरूक और आपको एक्टिव। धन्यवाद।